हे गाइस, क्या हाल है आप सब के? आप सबका फिर से एक और बार स्वागत है हमारे नए गेम प्ले में। और आज हम फिर से प्लेनेट क्राफ्टर ही खेलने वाले हैं। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ कुछ बेसिक चीज़ करी थी और हमें लेक से ऊपर अपना घर शिफ्ट करना था। तो अभी मैंने शिफ्ट तो कर दिया है, शिफ्ट नहीं करा मतलब सामान नहीं लेके आए हम, स्ट्रक्चर मैंने रेडी कर दिया है। अभी एक मिनट बस, मैं थोड़ा सा ना सामान को उसके हिसाब से रख दूँ यहाँ के बॉक्स में। जैसे कि यहाँ पर आयरन है तो ये मैं इनके नाम ना चेंज कर करके फिर हम इसी इसी में रखते रहेंगे। जैसे इसमें क्या है, ये टाइटेनियम, तो इसका नाम हम टाइटेनियम कर देते हैं। फिर ना हम ला ला के इन में ही रखते रहेंगे। इसमें क्या है, सिलिकॉन। ठीक है, और इसमें क्या है अपना, कोबाल्ट। तो ऐसा फिर हमें आगे के लिए वो रह जाएगी, हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो अभी के लिए हमने ये बनाया है यहाँ से अपना एंट्रेंस। हम ऊपर आ गए पहाड़ पे, देख रहे होगे तुम, हम पहाड़ पे इतने ऊपर आ गए। ये वाला शिप हमारे राइट में और लेक हमारी इधर है नीचे वो। तो अभी मैंने ये इतना बड़ा एरिया बना दिया, कवर कर दिया। यहाँ पर बीच में पहाड़ था तो वो पहाड़ मैंने चारों साइड से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ऐसे गोल घुमा के हम पहाड़ पहाड़ को हम बीच में ले लें, क्योंकि एक फ्लोर और बनाएंगे तो हम इस पहाड़ के स्पेस को फिर वैसे यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी चीज़ के लिए। तो अभी जैसे कोबाल्ट वगैरह हम कुछ नहीं उठाते, भी हम अपनी इन्वेंट्री खाली करेंगे क्योंकि हम नीचे से सामान लेके आएंगे अपना उठा के। अभी देख रहे हो फूड और हेल्थ कितनी कम हो रही है अपनी। तो ये कुछ यहाँ पे डबल डबल हो गई। अभी यहाँ पे हम इधर इंक्रीज करते जाएंगे और ये पीछे की साइड के को हम आगे कर लेंगे। तो अभी एक बार मैं अपनी ऑक्सीजन लेवल जो है वो फुल करता हूँ अंदर जाके, और हम नीचे चलते हैं अभी। और ये अंदर से देखने में कुछ ऐसा, यहाँ से एंटर करें, इधर अपना स्टोरेज आ गया। और इधर एंटर होते ही यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अपनी ये लैब पूरी, कंप्यूटर लैब। और इस साइड हम बनाएंगे अपना, जो भी चीज़ें हमारी ऐड होती रहेंगी वो हम इधर रखते रहेंगे। और अभी के हिसाब से मैंने ये हीटर वगैरह लगाने के लिए बनाया ये वाला सेक्शन। और बाकी के सेक्शन में यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि अपना लिविंग रूम के हिसाब से करूँ इस वाले एरिया को, या फिर ये वाले एरिया को करेंगे हम अपने लिविंग रूम के हिसाब से। जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं ना यहाँ पे, ये बेड है और ये सोफ़ा है, ये सोफ़ा है, पर ये इसके लिए यार फैब्रिक चाहिए, फैब्रिक का देखना पड़ेगा हमें। टेबल है ये, खैर देखते हैं ये सारी चीज़ें भी। अभी हमारी ऑक्सीजन फुल हो चुकी है, फूड कम है, तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले नीचे। फूड और अपनी हेल्थ वगैरह जो भी है वो सब हम फुल करेंगे। और ये देख रहे हो कि यहाँ पे अपना ये बेस बनाया है हमने, पर ना मुझे एक एंटीना भी अनलॉक करना पड़ेगा। देखो वहाँ पे हमारा नीचे वो भी मैंने बेस कर दिया था बड़ा, पर फिर मुझे लगी क्यों एक जगह मेहनत करूँ मैं जब भी मुझे ऊपर शिफ्ट करना है ही। तो इस चक्कर में मैंने फिर ऊपर ही बनाना स्टार्ट कर दिया अपना। वैसे मैंने ये वाला भी खूब बड़ा करा था वैसे तो, पर अभी खैर कुछ और ऑप्शन नहीं है अपने पास, तो ये सब हम हटा लेंगे अभी। हाँ मैं सांस ले लेता हूँ पहले, और फूड में से ना एक खाते हैं हम। अच्छा एक में काम नहीं चल रहा भाई साहब, एक पानी पीते हैं हम और एक फूड और पानी अपने पास रखते हैं हम एक्स्ट्रा में। और इसके बाद कोबाल्ट ये सब चलो मैं सबसे लास्ट में उठाऊँगा ना ये सारी चीज़ें। तो ये है सब, हम ये सब तोड़ लेते हैं। तो ये आ गए अपने इन्वेंट्री में। ठीक है, अब मुझे ये वाली की भी कंस्ट्रक्शन तोड़नी है, टाइटेनियम। ये सब चीज़ें अब मैं एक बॉक्स में रखता हूँ। ओहो मुझे लग रहा है कि मुझे राउंड मार के ही आना पड़ेगा ऊपर। चलो अपनी सब चीज़ें खुल लें। ओ भाई साहब कितना येल्लो हो गया, तूफान आने वाला भाई साहब, पक्की बात है। खैर कोई नहीं, अभी हम जल्दी जल्दी चलते हैं। पहले मैं ये ट्रांसफ़र करता हूँ, उसके बाद की चीज़ें हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। वैसे मुझे लग रहा है मैंने अभी भी नीचे पर बनाया है, पर मुझे इससे ऊँची कोई जगह दिख ही नहीं रही आसपास से मैं अपने। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में न बना कर पीछे बनाया है जाके। अरे कोई बताना मुझे कमेंट करके कि ब्लू प्रिंट जो ओपन हो रहे हैं हमारे, ये बनाने का ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ साथ आ गई,
तो जैसा कोबाल्ट है तो इसको कोबाल्ट को इसी में रखते हैं, वैसे अपने पास ना आयरन बहुत सारा आ गया अभी। आयरन 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 आयरन, एक और आयरन अभी, टाइटेनियम टाइटेनियम चलो एक ही अपने पास, सिलिकॉन सिलिकॉन रख देते हैं हम, सिलिकॉन ही आ गया अपना। अब मैं एक राउंड और लगाता हूँ फटाफट से, तो ऐसे बहुत सारे राउंड लगाने पड़ेंगे, तो मैं ये फटाफट करता हूँ, फिर ये करने के बाद मिलता हूँ तुमसे मैं, ठीक है। तो गाइज हमने अपना सारा सामान भाग दौड़ करके यहाँ से उठा लिया है, एक दो चीज़ें जो अभी मुझे जाते ही बिल्कुल अर्जेंट में बनानी, जैसे कि तुम देख रहे हो मेरे फूड लेवल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, और अभी अपनी इन्वेंट्री तो फुल चल रही है, जैसे देख रहे हो सब कुछ फुल है। तो अभी सबसे पहले हमें जाकर, मैंने वैसे इधर इलेक्ट्रिसिटी के लिए और हीट के लिए सिस्टम लगा दिया है बहुत सारा, एक मिनट पहले जाकर मैं अपनी ऑक्सीजन फुल कर लूँ। यार तूफान का माहौल ना बहुत ज़्यादा है, न्यू मैंने घर के बाहर ही एक लाइट लगाई है, हाँ भाई सब साथ आ गई, मैंने घर के बाहर ही लाइट लगाई और मैंने बहुत सारे बॉक्स बना दिए, जैसे कि फूड हम यहीं रखेंगे अपना सारा, तो ऑक्सीजन कैप्सूल वाटर वाटर यहाँ रख देते हैं हम। सबसे पहले तो मुझे दो तीन चीज़ें जो बिल्कुल अभी अर्जेंट में ही बनानी पड़ेंगी, जैसे कि एक तो क्राफ्टिंग स्टेशन, वो मैं यहीं बना देता हूँ, कि ये टेंशन मुझे सबसे बड़ी हो रही थी कि नीचे जाके क्या क्या मैं करूँ। अब इसमें ये सब अपने और चीज़ें भी आ गई, लेवल 3 का बैकपैक भी आ गया, जिसके लिए पहले 2 का बनाना पड़ेगा हमें, अभी ये वाला है अपना, फिर ये बनाना पड़ेगा हमें, फिर ये बनेगा साथ के साथ ही, तो अभी देखते हैं हम। और ऑक्सीजन लेवल चाहिए हमें, ऑक्सीजन टैंक चाहिए हमें सेकेंड लेवल का, और ये क्या है वो, ये तो हम बना सकते हैं अभी साथ के साथ ही, एक मैग्नीशियम लेक है, एक मिनट से उस पहले मैं यही बना दूँ, इससे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो पहले हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, बस इसी चीज़ की मुझे एक टेंशन थी कि हम, ओहो इधर गड़बड़ होगी, अब मैंने बना तो लिया, खैर मैं ये वाले को हटाता हूँ, ये वाले को यूज़ करता हूँ, ये देखा स्पेस और बढ़ गया हमारा इससे, लेवल 1 का है, खैर कोई बात नहीं। और क्या क्राफ्ट कर सकते हैं हम, अभी अपने को करना है फूड लेवल लो, तो चलो अभी के लिए तो है हम पे फूड अपना, बाकी अभी सबसे पहले तो मुझे यही टेंशन हो रही है कि हम फूड का कैसे करेंगे हम। ये अपनी सेकंड लेवल के हमारी ड्रिल आ चुकी है, तो मैं एक ड्रिल ये बना के और लगा देता हूँ। एक क्या चाहिए हमें, टाइटेनियम चाहिए ना इसके लिए, हाँ तो ये मैं 2 बना लेता हूँ, 4 टाइटेनियम ले लेते हैं, और क्या लग रहा है इसमें, आयरन लग रहा है शायद, आयरन तो अपने पास है बट फिर भी देख लेता हूँ मैं एक बार। अबे यार मैं यहाँ क्यों भाग रहा हूँ, हाँ 1 आयरन 2 टाइटेनियम तो हमारे पास, हाँ 2 आयरन है और 4 टाइटेनियम हो गए अभी, तो हम ये 4 लगा सकते हैं, पर मुझे लग रहा है जहाँ तक है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। भाई साहब कितनी बढ़िया ये, देखा ड्रिल 2 लगाते ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो अभी सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयरन लाता हूँ मैं 3-4 उठा के। सोलर वाले का क्या सिस्टम है, 1 आयरन 1 सिलिकॉन, तो मैं सोलर पैनल ही क्यों ना लगा दूँ। आयरन तो अपने पास देख रहे हो कितने सारे इकट्ठे हो रखे हैं, 2 आयरन उठा लेते हैं हम, और सिलिकॉन सिलिकॉन ही चाहिए ना अपने को, हाँ सिलिकॉन 2, कोबाल्ट 2, कोबाल्ट की कमी पड़ने वाली, अच्छा 2 तो हैं ही अपने पास, कोबाल्ट तो वैसे बहुत सारे हैं अभी हमारे पास, तो हम ये वाला लगा देते हैं सोलर पैनल, यहाँ पे लगा दूँ मैं, हाँ खैर इस साइड तो हम इतना ज़्यादा एक्सटेंड करने का सोच ही नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, देखते हैं ये चीज़ भी खैर कितनी वर्किंग है। बाकी अभी चल तो गया अपना सारा कुछ काम, चल गए हैं सब, अभी अभी एक बार हम ना अपनी कैपेसिटी देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी वाली अपनी, तो हमारी हाँ प्रोडक्शन है 17.80 वॉट और कंजप्शन है हमारी 14.30, खैर कोई नहीं अभी सब चल जाएगी, 30 तो भाई साहब ही लाइट ही लाइट ले रही है अपनी, पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें रात के हिसाब से लाइट चाहिए भी थी बाहर, तो इस चक्कर में मैंने अभी 3.5 है अपने पास अवेलेबल। और क्या बनाना है हमें, ड्रिल बना दी हमने 2 सेकेंड लेवल की,
विंड टरबाइन की भी जरूरत नहीं है, अभी बनाने हमें हीटर, हीटर मेन है अभी अपने लिए। स्क्रीन अपनी तीनों लगी चुकी हैं, बाकी चेयर हम अभी बना नहीं सकते। और फाउंडेशन, फाउंडेशन वैसे इतनी ज़्यादा जरूरत है नहीं हमें, तो अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि यहाँ पे हमें क्या क्या बनाना है अभी। जैसे कि अभी मुझे बनाना है सबसे पहले बैकपैक लेवल 2 का, आयरन सिलिकॉन टाइटेनियम और लेवल 1 का बैकपैक अपना, तो मैं ये सब चीज़ें उठा लेता हूँ। आयरन, 2 आयरन ले लेते हैं हम, सिलिकॉन, 2 सिलिकॉन उठा लेते हैं हम, और टाइटेनियम, 2 टाइटेनियम उठा लेते हैं, और अपना लेवल 1 वाला बैकपैक चाहिए इनको। तो बैकपैक हाँ दे दो भैया हमें लेवल 2 का। मैं साथ के साथ ही लेवल 3 के लिए भी कर देता हूँ। तो एल्यूमिनियम चाहिए हमें 2, एल्यूमिनियम लो है अपने पास 2। तो मैं अभी लेवल 3 का ही बना देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि फिर वरना हमें आगे तक वो होएगी दिक्कत। तो ये लो बैकपैक लेवल 3, कितनी सारी इन्वेंट्री हो गई भाई साहब मेरे पास अभी, सही है ना। अब है अपना नंबर ऑक्सीजन टैंक बनाने का। यस, तो ये ऑक्सीजन टैंक लेवल 2 के लिए चाहिएगा अपना ऑक्सीजन टैंक लेवल 1। लेवल 1 तो खैर ही अपना, तो लेवल 1 के सिलिकॉन, कोबाल्ट, टाइटेनियम और 2 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 2, टाइटेनियम 2 और सिलिकॉन, कोबाल्ट खत्म है अपने पास। चलो मैं बहुत सारे वो बना देता हूँ ना, पानी के कंटेनर अपने पास ये 2-3 आई जो पड़ी हैं इनसे ही। कोबाल्ट चाहिए अपने को 1, खैर कोई नहीं, उससे पहले मैं पानी बना देता हूँ अपना ना, जो ये अपने पास पानी वो पड़ा है। तो अभी चाहिए हमें 1 कोबाल्ट चाहिए, कोबाल्ट लाता हूँ पहले, ये बाहर पड़ा है ना यहाँ। इसके बाद हम करने वाले हैं थोड़ी सी चीज़ों को अरेंज, मतलब कि जा के बाहर से सब चीज़ें उठा उठा के लाने वाले हैं और अपने स्टॉक फुल करने वाले हैं। तो ये अपना सेकंड लेवल का ऑक्सीजन बैग बन गया, ये डालते हैं हम यहाँ, ठीक है। बैग पैक ऑक्सीजन अब बढ़ गई, 200 हो गई अब हमारी ऑक्सीजन, तुम्हें दिखने रही होगी ये लेवल आ रहा है नाम का उसके नीचे, और अपनी ऑक्सीजन अभी 200 हो चुकी है। तो अभी हमें क्या करना है, आयरन हम यहीं डाल देते हैं, टाइटेनियम, पानी खैर मैं 1 तो पी लेता हूँ मैं, और 1 हम लेके चलते हैं अपने साथ ना। टाइटेनियम हम यहीं रखते हैं, सिलिकॉन हम वापस डालते हैं। हाँ तो अभी सबसे पहले मैं कर देता हूँ गेम को सेव, यस गेम सेव्ड, और अब चलते हैं हम। सबसे पहले हम उठाते हैं आइस, कोबाल्ट, सिलिकॉन, टाइटेनियम भी चाहिए अपने को, मैग्नीशियम का चलो देखते हैं अब जो भी मिलेगा ना। अब हम सारे रिसोर्सेज को बस उठाएंगे ही उठाएंगे, क्योंकि अपनी सारी चीज़ें फुल हो चुकी हैं। तो अब बस जैसे हम बाहर आ गए ना, मैं सब चीज़ों को भर भर के स्टॉक फुल करने वाला हूँ अभी। तो जो भी मिल रहा है हम सब उठाएंगे, पहले तो हम ये था कि हम सेलेक्ट कर करके ही उठा रहे थे, पर नहीं अब हम सब कुछ उठाएंगे अब। तो अभी मैं फटाफट से ये कलेक्ट कर लूँ सारी चीज़, फिर दिखाता हूँ तुम्हें कि हमने क्या क्या कर लिया अभी तक इकट्ठा, क्या नहीं करा। बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, मैं अब कंटिन्यू ऐसी ही वीडियोस डालने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ। बाकी नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो भैया लाइक कमेंट शेयर कर दो, और बता दो और कुछ क्या क्या मैं कर सकता हूँ, या और कोई गेम अगर तुम चाहते हो कि मैं खेलूँ तो वो भी बता दो। बाकी आज वाला मेरा मेल आया था GTA 5 का, तो वो मैं अभी रिप्लाई कर चुका हूँ,
बाकी देखते हैं अभी क्या अपडेट होएगी क्या नहीं होएगी। अभी जैसे कि वाली इन्वेंट्री तो हमारी फुल हो गई, भाई साहब गिलास लगने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ वो हो रही है, कैसे आर पार की चीज़ दिख रही है, तो ये थोड़ी सी प्राइवेसी कम हो रही है। तो हम सबसे ज़्यादा लेके आए हैं अब की बात टाइटेनियम। टाइटेनियम का कहाँ है भैया अपना टाइटेनियम? मैं खुद कंफ्यूज होने वाला हूँ, दिख रहे हैं मुझे ढंग। टाइटेनियम आ गया इधर, कोबाल्ट हम डालते हैं कोबाल्ट में। मेन चीज़ यही है कि अगर हमने एक बार कर दिया ना चीज़ें अरेंज, जैसे सिलिकॉन रह गया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का था ये वाला, पर अभी हमने ना इसमें मिक्स कर रखा है, तो हम ये आइस उठा लेते हैं यहाँ से। और तो चलो पहले मैं ना एक लेता हूँ यहाँ से आयरन, और एक बॉक्स और बनाता हूँ मैं। यहाँ पे लिखते हैं हम आइस। अबे इसके अंदर भरते हैं हम आइस, और हम चलते हैं फिर से बाहर। ओहो अंधेरा हो गया वैसे तो। चलो अपने पास पास का ही उठा लेते हैं जो जो भी हमें दिख रहा है अभी। वैसे मुझे पता नहीं है टॉर्च किससे चल रही थी, एफ से। अच्छा टॉर्च माइक्रोचिप रिक्वायर्ड। चलो मैं सबसे पहले अब जाकर यही बनाता हूँ, यही तो चीज़ उठा लेते हैं पास पास की जो हैं जो दिख रही हैं अभी, फिर जाके हम टॉर्च माइक्रोचिप बनाते हैं। तो ये बनाने के बाद फिर देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं अभी। चलो अब जब आई गई है तो फिर इन्वेंट्री फुल करके चलते हैं ना। तो फटाफट फटाफट हम ये भर लेते हैं सारी चीज़। वैसे यार मेरी ना थोड़ी सी बोलने की स्पीड स्लो है, तो या अवॉइड करियो और गेम का मज़ा लियो बस। तम हम नहीं जा सकते क्या इसके नीचे अभी? खैर कोई नहीं। हाँ तो हम अपनी आइस, अरे आइस जा भैया आइस, आइस इधर, मैग्नीशियम लेके आए हम। हाँ तो मुझे मिला था माइक्रोचिप का ब्लूप्रिंट, अब ये देखते हैं हम कहाँ यूज कर सकते हैं। मैं क्या दिमाग चल रहा है मेरा, मैंने और क्या डाल रखा है इसमें, एल्यूमिनियम। अच्छा एल्यूमिनियम अभी हमें मिला नहीं है इतना, तो हम उसका बना नहीं रहे इस वजह से। भैया तो मेरा माउस ख़राब हो गया, मेरी उंगली ख़राब हो गई। क्या चाहिए था हमें एक बार इसकी रेसिपी चेक करते हैं हम, कि ये वाली माइक्रोचिप चाहिए ना। हाँ सिलिकॉन और दो मैग्नीशियम, सिलिकॉन और दो मैग्नीशियम चाहिए अपने को, मैग्नीशियम और सिलिकॉन एक। ओके आ जाओ जी आप भी आ जाओ। यस अब हमारी टॉर्च चलनी स्टार्ट हो गई है गाइस। यस और क्या क्राफ्ट कर सकते हैं अभी हम, और तो सब चीज़ है अपने पास अभी, बस मुझे फूड का देखना है, फूड का। हाँ अबे आयरन, दो आइस, एक मैग्नीशियम, एक सिलिकॉन, दो आइस एक मैग्नीशियम एक आयरन दो सिलिकॉन। फूड में है कुछ अपने पास फिर अभी? सीड है ना भाई साहब, मैं मरने वाला हूँ मतलब। अबे यार शिट, मैंने
मैंने पहले ही क्यों ध्यान नहीं करा इस चीज का? प्लांट 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 तू भी आजा, देखते हैं अभी दोनों में से कौन सी चीज जाएगी इसमें। एक तो पक्की में से खाने वाली चीज अपनी, ना ये नहीं जाएगी, तो हम एग प्लांट दिस प्लेस दिस इन फूड ग्रोवर। फूड ग्रोवर है कहाँ? भाई फूड ग्रोवर कहाँ है? फूड ग्रोवर नहीं है हमारे पास। अबे यार फूड ग्रोवर चाहिए मुझे। शिट, फूड ग्रोवर ये क्यों नहीं अनलॉक हो रहे? कोई भी बैक पैक, सोलर पैनल ये क्या है? नहीं ये ट्यूब तो हो गई अपनी अनलॉक, ये भी हो गई, ड्रिल भी। फूड ग्रोवर कहाँ है? अबे यार मैं फंस गया। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए गाइस कहाँ मिल सके हमें फूड ग्रोवर, क्योंकि यह हिसाब से तो मरने की तैयारी पे हम। ब्लू प्रिंट किसी काम के नहीं बच रहे अभी अपने, और अपने पास ये पड़ा एक एग प्लांट सीड, और यहाँ कहीं मुझे फूड ग्रोवर नहीं दिख रहा है। क्राफ्टिंग स्टेशन हमने बना लिया T2 का वह, और ये क्या है? सीड जनरेट O2 के लिए है, ड्रिल है, दोनों विंटर बाइन है, हीट है, न्यू ब्लू प्रिंट रिसीव। अब तेरी हमें ये नहीं चाहिए, कम्युनिकेशन वगैरह नहीं चाहिए ब्रो। फूड ग्रोवर दे दो हमें। चलो ये लगाते हैं हम सबसे पहले तो। और वाटर वाटर पी लेते हैं। फूड का क्या करूं मैं? आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। पहले सेव करता हूँ गेम को ना, अगर हम मर जाए तो मैं फिर अगले में कम से कम देख तो लूंगा। टाइटेनियम, मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम नहीं अपने पास ब्रो। वेर इज ही? वो मैं अटक गया। मैग्नीशियम फट रही है बिना बात की। फूड खत्म हो रहा है हमारा तो ये फट रही है, कोई बात तो ही करे। हाँ डिस्प्ले मेल आया है, कुछ नहीं। और भी तो कुछ खुला था अपना। कम्युनिकेशन, अच्छा टाइटेनियम चाहिए हमें एक, आयरन एक और एल्युमिनियम एक। मैग्नीशियम रख देते हैं यहाँ पे, आयरन एक, टाइटेनियम एक, सिलिकॉन चाहिए था हमें, एल्युमिनियम।
एल्यूमिनियम। कम्युनिकेशन इसके ऊपर आएगा। चलो खैर अभी मैं ही लगा देता हूँ, हमारी पावर जा चुकी है तो हमें दो आयरन ले लेते हैं और यही बनाऊँ क्या बड़े वाले सोलर पैनल ही। पर इस टायर बन के हैं तो, और विंड टर्बाइन करता है 12/5 और ये करता है 6/5, तो हम विंड टर्बाइन ही बना देते हैं दो तीन और, ठीक है। विंड टर्बाइन बना देते हैं, एक ही हो गई, एक ही हो गई। अबे कितनी विंड टर्बाइन लगेंगी, कितने माइनस में है, कैसे हैं 20। अबे कंजप्शन अपना 30 है, ओहो 15 ले रहा है ये, तो अपने को फायदा तो वैसे उसी में था सोलर पैनल बनाने में, 15 लगा रहा है वो, तो मैं सोलर पैनल ही बनाता हूँ दो। तो हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए, कोबाल्ट चाहिए, सिलिकॉन, आयरन, दो ले लिए हमने आयरन, दो ले लिए हमने सिलिकॉन, दो ले लिए हमने कोबाल्ट। हाँ कोबाल्ट हमें दो, भाई साहब मैं गया, मैं गया। अबे ये क्या सीन हुआ भाई, अच्छा हमारा कुछ सामान एक साथ गिर गया। ओके तो हमें थोड़ा सा टाइम मिला है, ओके तो अपना कम्युनिकेशन चल गया है। मैं एक काम करता हूँ, तू हट, बहुत लाइट पी रही, ओहो कुछ अनलॉक हुआ है, मैं पढ़ लूंगा बाद में। अभी अपने पास है 2.2 मतलब 33 वॉट की हम बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और मैं अब भी कंफ्यूजन में हूँ कि हम फूड कैसे बनाएंगे, तो उस चीज़ के लिए कमेंट करके बताना। बाकी आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबी होगी, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, जब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड बाय।